नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो अगर आप भी बेसब्री के साथ आईपीएल की तारीखों का इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 14वां सीजन दोबारा कब से शुरू होगा, ये सवाल क्रिकेट फैंस के जहन में तब से चल रहा था जब 4 मई को आईपीएल को टालने का ऐलान हुआ था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 29 मई को हुई एसजीएम के बाद ऐलान किया है कि आईपीएल के बचे मैच यूएई में खेले जाएंगे। हालांकि तारीखों की घोषणा होना बाकी थी जो अब कर दी गई है। आईपीएल के टलने तक दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 6 मैच जीत के साथ पहले स्थान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैचों के जीत के साथ दूसरे स्थान पर है और विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को भी 5 मैचों में जीत मिली है और वह तीसरे स्थान पर है। सबसे बड़ी बात क्या है, आईपीएल के बचे मैचों में विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगे और इस पर बीसीसीआई अधिकारी ने कहा है कि अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत जारी है और भारतीय बोर्ड को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध होंगे। दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक आईपीएल 14 दोबारा 19 सितंबर से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन देश में दशहरा मनाया जा रहा होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने ANI को बताया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच हाल में हुई बैठकें अच्छी रही हैं और भारतीय बोर्ड को विश्वास है कि आईपीएल 14 के बचे मैच दुबई में, शारजहाँ और अबू धाबी में सफलतापूर्वक आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी था आईपीएल की नई तारीखों का इंतज़ार, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।